देश भर के अंदर इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान चर्चा का विषय बना है। इन सबके बीच में बिश्नोई समाज की बात जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर बिश्नोई समाज क्या चाहता है लॉरेंस बिश्नोई से और सलमान खान से। सबसे पहले बात करेंगे सलमान खान पर। हमारे साथ कुछ बिश्नोई समाज के युवा है। आप किस तरह से आप डिमांड करते हैं सलमान खान सॉरी बोल दे तो बात खत्म, क्या आपकी डिमांड है? देखिए, जो लॉरेंस की मांग जायज है लेकिन उसका तरीका गलत है, ठीक है। जो सलमान खान को जो हमारा समाज है सदियों से इन चीज़ों से आ रहा है और वो सब चल रहा है का लंबे अरसे से चल रहा है और इस चीज़ को सलमान को माफ़ करे ना करे वो हमारी पूरी समाज का बैठ के डिस्कस करेगा, लेकिन सलमान कोर्ट उनको दोषी कर चुका है फिर भी आज वो अपनी अकड़ पे अटका हुआ है, वो उसका तरीका बहुत गलत है। उनने हिरण का शिकार किया है, वो कोर्ट मान चुका है। नहीं, अगर कोई गलती हो जाती है हमसे भी आपसे में गलती होती है, एक दूसरे को सॉरी बोलते थे, इसमें कोई बात नहीं, माफ़ी देने वाला बड़ा होता है, माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आखिर क्यों इतना लंबा टाइम हो गया कि सलमान खान अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहा? अगर सलमान ऐसा करे तो विचार भी हो सकता है और माफ़ी दे भी सकते हैं। माफ़ी मांगे तब ना, वो तो मांग ही नहीं रहे ना। माफ़ी मांगे तो कोई अड़चन नहीं है ना। आप बताइए क्या बिश्नोई समाज क्या चाहता है, युवा क्या चाहते हैं? युवा यही चाहता है कि जो विष्णु समाज के मूल सिद्धांत है उनसे समझौता नहीं होता। विष्णु समाज एक ऐसा समाज है जो अपने पेड़ों के लिए 363 लोग शहीद हो गए थे, तो ये तो हिरण है। हिरण को विष्णु समाज अपने हमारे विष्णु समाज की महिला हिरण को अपने बेटे के समान पालती है, तो सलमान खान ने ये बहुत बड़ा जुर्म किया है, इस जुर्म को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई हमेशा उसको टारगेट बना के काम कर रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं, बाकी उनको कोई पॉपुलरिटी नहीं चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका जो काम कर रहे हैं वो उनका पर्सनल काम है, अलग काम है, लेकिन ये विष्णु समाज का मूवमेंट है, इस विष्णु समाज के मूवमेंट में लॉरेंस बिश्नोई खुद साथ है। इसलिए विष्णु समाज के युवाओं की भी यही है कि सलमान खान को किसी भी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा वो ऐसे ही है क्योंकि वो खुद को इतना बड़ा समझता है। विष्णु समाज ने कह दिया कि आप सॉरी बोलो, हम भी माफ़ करने के लिए तैयार है, तो जब वो खुद सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है, गलती भी खुद करे और सॉरी खुद नहीं बोले, तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। कोर्ट ने भी उसको सज़ा दी है और आगे ये निरंतर जारी रहेगा, जब तक ये सॉरी नहीं बोलता सलमान खान तब तक विष्णु समाज को छोड़ेगी नहीं। मतलब सॉरी से बात बन जाएगी, क्या माफ़ कर देंगे विष्णु? देखो, माफ़ करने के लिए विष्णु समाज इतना जीवों के ऊपर हमेशा समाज का मामला है और अनुशासित समाज है, ये हमेशा जीवों से प्रेम करता है, तो एक इंसान से भी प्रेम करता है, इंसान से गलती हो सकती है, तो इंसान ने गलती की है वो उसके लिए सॉरी बोलेगा तो उसके लिए विष्णु समाज माफ़ कर देगा, लेकिन वो जिस अकड़ पर अड़ा है ना, तो उस अकड़ को घी जब सीधी अंगुली से नहीं निकलता है ना, तो अंगुली को टेढ़ी करना भी आता है, तो वो सबको आता है। वो सोचता है कि मैं बादशाह हूँ फिल्म जगत का, तो हर अपने आप में सभी बादशाह होते हैं हर फील्ड के। आप बताइए सर, इतने लंबा टाइम हो गया कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन सॉरी अगर बोलता है तो उसका तरीका क्या होगा कि आपके जो देवता है मंदिर वहाँ आए, और क्या सॉरी क्या उनका तरीका रहे जिससे आप उनको माफ़ी दे सके, क्योंकि माफ़ी देने वाला जो है वो बड़ा होता है। सबसे पहले तो मैं इंडिया डेली को निमन प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले माफ़ी का तो कोई हमारे बिश्नोई समाज में कोई रोल ही नहीं है। मैं युवा होने के नाते ये कह रहा हूँ, अगर जिसने हिरण का शिकार किया है, हमने जीव जंतुओं के लिए आज से 550 साल पहले 350 लोगों ने अपना जीवन है सर्वशरीर वहीं सर कटवा दिया था, तो वहाँ पर माफ़ी का तो कोई किस्सा बनता ही नहीं है। फिर भी हमारे समाज में जो है, जो समाज की कम्युनिटी है, अगर वो माफ़ी का उसको एक तोहफा देती है, उनको ज़रूर मुकाम नोखा में एक स्थान है हमारा गुरु जम्बेश्वर भगवान का, वहाँ आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसमें उसकी भलाई है। तो मैंने एक लॉरेंस का एक इंटरव्यू भी देख रहा था, वो खुद कह रहा था कि नोखा में आए और गुरु जम्बेश्वर जी के यहाँ वो सॉरी बोल के जाए, लेकिन उसको इंटरव्यू को हुए शायद साल भर हो गए, हालाँकि उनके ब्याह पर राखी सावंत ने एक बार सॉरी बोला है। लॉरेंस बिश्नोई एक जख्मी शेर है, उसकी बात हम करनी नहीं चाहते, वो तो शेर है शेर, उसकी बात हम कैसे करें। लेकिन मैं पूछूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई को आप लोग समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको पसंद करते हैं? हाँ, उन्होंने जो हिरण का मुद्दा उठाया है उसमें हमारा पूरा समाज उसके साथ है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे धर्म के प्रति जो बात सलमान को चेताया है उसमें हमारा समाज उसका सपोर्ट करता है, 100% करता है। लेकिन किसी की हत्या करना जैसे बाबा सिद्दीकी को मारा, ये कहाँ तक जायज है? वो उसका पर्सनली मैटर है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। एक पर्सनली उनका जो सिस्टम है, क्या सिस्टम कर रहा है क्या कर नहीं रहा है, उसका हमारे क्या लेना देना। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये तो आरोप है सर, सिद्ध थोड़ी हुआ है, ये लॉरेंस ने मारा है, ये किसने बोला भाई लॉरेंस ने इसके दिया, वो तो जेल में बंद है, वो या तो सरकार देखे कौन वो बाहर है कहाँ है, उसका क्या काम करता है, वो तो सरकार को देखना चाहिए उसके कैसे उसके
मतलब नेट और चल रहा है वो। मतलब मैं सीधा सवाल पूछूंगा कि क्या विश्नोई समाज के युवा, इतनी बड़ी संख्या में युवा यहाँ है, क्या सारे लॉरेंस विश्नोई को पसंद करते हैं? ना नहीं, लॉरेंस को नहीं करते, हम जीवों को बताने के लिए हैं। और उन्होंने हमारा जो है वो हमारे समाज की, हम समाज के और समाज का ही आगे बढ़ाया, इसीलिए हम उस एक मुद्दे पे हम उसके साथ हैं। हम अहिंसा के लोग, अहिंसावादी लोग हैं, हिंसा हम नहीं चाहते, क्राइम का कभी हम पक्षधर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो सलमान ने जो गलती की है उसी का ही हम उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने उनको बताया है और माफ़ी, हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम बनाए थे, उन्हों में माफ़ी एक नियम है, उसके तहत ही उन्होंने बोला है कि मुकाम में अगर माफ़ी मांगेंगे तो हमारा समाज माफ़ कर देगा, उनसे कोई वो नहीं है। अच्छा मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा वो तो उनकी लॉरेंस विश्नोई की निजी राय है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप खाली जो लॉरेंस ने जो किया है उसका नाम, जहाँ मर्डर होता है लॉरेंस का नाम जोड़ देते हो। सबसे पहले मैं जो वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड के जो ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या सबको ही लॉरेंस ही मार रहा है क्या? जेल में बैठा आदमी किसी को मार सकता है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो यार वो भगवान से बड़ा है, उसको तो सबको पूछना चाहिए। ये होता है ना, जेल में बैठा आदमी किसी को कैसे मार सकता है, आप मेरे को ये बताइए। और रही बात जो मरने वाले हैं, उनके भी रिकॉर्ड आप दुनिया के सामने लाओ ना, सिद्दीकी कौन है, उनका क्या रिकॉर्ड है पीछे, वो क्या है, उसके ऊपर क्या क्या धाराएं लगी हुई है, उसका भी रिकॉर्ड दुनिया के सामने लेके आओ, ताकि दुनिया को पता चले कि रियली में लॉरेंस कौन है और सिद्दीकी कौन है। अच्छा इन दिनों बहुत ट्रेंड वायरल हुआ है कि सोशल मीडिया पर लॉरेंस विश्नोई के प्रति लोगों के लिए पॉजिटिविटी आई है। देखो विश्नोई समाज में जो जीव जंतु के लिए उन्होंने समाज का सपोर्ट किया है सबसे पहले, तो समाज तो उसके साथ रहेगा ही, क्योंकि वो विश्नोई समाज का बेटा है, ओनर, समाज के लिए तो रहेगा ही, वो तो समाज का शेर है। अब वो करता क्या है, वो पर्सनल उसकी अपनी लाइफ है, उसमें समाज कुछ नहीं कर सकता। करता तो गलत है ना कि वो लोगों को मार रहा है, उसकी उनकी जो मर रहे हैं उनके भी घर परिवार है। ये किसने सिद्ध किया कि ये लॉरेंस ने मारा है, हमें तो इस चीज का प्रूफ चाहिए ना, ऐसे कैसे हर कोई जो आया जिसको मारा उसकी खबर न्यूज में छाप दी कि लॉरेंस ने मारा, वो जेल के अंदर बैठा है, जेल के अंदर बैठा आदमी कैसे मार सकता है। आप मुझे बताइए कि आप विश्नोई सरनेम है आपका, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लॉरेंस विश्नोई की वजह से आप विश्नोई समाज भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है, कि लोग डरने लग गए यार विश्नोई है, क्या पता क्या गुस्सा कब आ जाए? जो इस हिंदुस्तान के अंदर विश्नोई नाम से जो लोग डर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। विश्नोई समाज ने बहुत बड़ा इस दुनिया को एक उदाहरण पेश किया, विश्नोई समाज के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए, डरने के बजाय जुड़ना चाहिए। विश्नोई समाज ने जो उदाहरण पेश किया है, जहाँ हमारे 29 नियम है, वो एक जीवन को चलाने के लिए, सुसज्जित जीवन चलाने के लिए जो 29 नियम है, हमने कोई गलत नियम कानून नहीं बनाया है। और दुनिया को विश्नोई समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि एक ऐसा समाज है जो सिर्फ पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए खुद मरने को तैयार है। आपको फील नहीं हुआ कि आप कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं यार विश्नोई है, बस पहले अच्छे विश्नोई वैसे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन डर ऐसा नहीं लगता यार लॉरेंस विश्नोई बड़ा गैंगस्टर, फिर समाज के युवाओं को इससे कोई परेशानी नहीं हो रही? उनको मैं बताना चाहूँगा विश्नोई समाज से डरना नहीं, जो विश्नोई समाज के जो नियम कानून है उनके साथ में अटैच होए और विश्नोई समाज की तरह जीव जंतु और पर्यावरण की रक्षा करें। विश्नोई समाज एक बहुत सुंदर और सुशील समाज है और बहुत सीधा साधा समाज है, इसको जोड़ तोड़ और मरोड़ के जो दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है तो वो गलत है। ये मीडिया की गलती है। आप बताइए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष साहब ने भी, प्रधान जी ने भी जो तथ्य दिए थे और उनको पेश न करके आज तक ने वो बहुत ही तोड़ मरोड़ के पेश किया, वो भी एक मीडिया के द्वारा भी हमारे समाज को ठेस पहुँचाई जा रही है, वो भी बार बार गैंग विश्नोई गैंग के नाम से उसको संबोधित कर रहे हैं। लेकिन एक आधा अपराधी हो सकता है, उसके पीछे पूरी कौम खराब नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारा 313 पूरे विश्व में जो एकमात्र उदाहरण है खेजड़ली में जो शहीद हुए थे, वो कहीं भी नहीं है ऐसा उदाहरण। और निस्वार्थ भाव से, कोई पैसा वैसा नहीं है, हम किसी के पीछे नहीं है और सीधा अपनी मतलब बेजुबानों के लिए हम खड़े हैं विश्नोई समाज। आप एक मुझे सवाल का आप जवाब दीजिए, आप लॉरेंस विश्नोई को
पसंद करते हैं कि नहीं करते और उसके कामकाज के को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कोई भी क्राइम करता है तो हम किसी को पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई हमारी समाज की बात उठाएगा, समाज के मुद्दे को अगर पटल पे रखेगा तो हम उन्हें बिल्कुल पसंद करेंगे। और रही बात बिश्नोई समाज की, बिश्नोई सरनेम की, तो हमारा जो बिश्नोई समाज है बहुत सीधा साधा और एक ग्रामीण परिवेश से मिलता जुलता समाज है। सब पढ़ने वाले एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक होते हुए भी हम अच्छा हमारा सिलेक्शन होता है, हर भर्तियों में हम सिलेक्शन होते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है जब भी हम अल्पसंख्यक है। और रही बात बिश्नोई सरनेम की, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई कोई क्राइम का काम करेगा तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने हमारे समाज का मुद्दा उठाया है। जो हमारे इष्ट भगवान है गुरुजमेश्वर भगवान ने, उन्होंने कहा है कि जीव दया पालनी रोग लेना नहीं गावे, जीव का पालना है और जो हरे वृक्ष है उनको नहीं काटना है। उन्होंने उनके विरुद्ध काम किया सलमान खान ने, तो उन्होंने उस मुद्दे को उठाया है, अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं। ये समाज की भावना को लेके चले हैं, इसलिए लॉरेंस का सपोर्ट चल रहा है। बाकी आप, हम और मैं, कोई भी उल्टा काम करेगा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो सलमान को कब माफ़ी देंगे? जब सलमान खान, वो उन्होंने खुद ने बता दिया है, वो जब माफ़ी मांगेंगे तो सब लोग माफ़, लेकिन वो भी माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, नहीं मांगेंगे तब तक वही डर रहेगा और वही माहौल रहेगा। आप बताइए, आप क्या क्या कहेंगे, अब कब ये सिलसिला जो है कब खत्म होगा? ये सिलसिला खत्म करने की शुरुआत सलमान खुद को करनी होगी, इसके लिए बिश्नोई समाज कुछ नहीं कर सकता। गलती उसने की है तो वो खुद अपने से शुरुआत करेगा, वो जब माफ़ी मांगेगा तो बिश्नोई समाज उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि हमारे जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं है। 29 रूल है बिश्नोई समाज के बने हुए हैं, 29 रूल को साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो हर बिश्नोई उसका विरोधी है। न लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट है, न सलमान खान का। सलमान खान ने हमारे बिश्नोई समाज का जो हिरण पालने का जो मेन मोटो है उसके साथ खिलवाड़ किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने समाज की भावना को समझते हुए इसी मुद्दे को उठाया, तो ये हम सब बिश्नोई समाज के, पूरा समाज उसका मुद्दे पे साथ है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई एक संदेश सलमान खान या उनके परिवार को आप देना चाहेंगे कि मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि शांति बनी रहे और माफ़ी देने वाला ही बड़ा होता है, और आपके रूल्स में भी लिखा हुआ है, कोई संदेश? नहीं, बिल्कुल बिश्नोई समाज नो डाउट माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन सलमान खान को और सलमान खान के परिवार को सोचना चाहिए कि इस तरह का मूवमेंट चल रहा है, इससे देश को ही हानि होनी है। ये किसी कोई अच्छा मूवमेंट नहीं है, लेकिन आप जब तक अपनी अकड़ दिखाओगे इससे देश के आपके लिए कई और लोगों की बलि लगेगी, फिर उसके बाद में और कोई घटना होगी, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप खुला कहीं घूम नहीं पा रहे हो, आपके लिए सुरक्षा ज़्यादा बढ़ानी पड़ रही है, सरकार का भी पैसा खर्च हो रहा है, पूरे दिन डर का माहौल रहता, पूरे देश में ऐसा भय का माहौल है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इस तरह की घटना नहीं घटित हो। इसके लिए हमें बड़ा दिल करके, सलमान खान को भी बड़ा दिल करके सॉरी बोलना चाहिए, और बिश्नोई समाज इतना बड़ा दिल रखता है कि वो हमेशा सबको माफ़ करता है। लेकिन अगर सॉरी बोलते हैं तो नोखा में जो जंबेश्वर महाराज जी का मंदिर है वहाँ पर आए? हाँ बिल्कुल, वहाँ पर आके वो जंबेश्वर भगवान के मंदिर के आगे नतमस्त हो गए और समाधि स्थल पे आके माफ़ी मांगे, सब बिश्नोई समाज को एक्सेप्ट है और कोई गलत चीज़ नहीं है। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखो सलमान खान इतने बड़े व्यक्ति है, उनको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वन्य जीव है उनकी सेवा के लिए एक बिश्नोई समाज होता है, वो समाज पूरा अपने प्राण तक त्याग देता है पेड़ों के लिए, जीवों के लिए, तो उस समाज के लिए थोड़ा बहुत ये है कि जब इतने बड़े व्यक्ति होने के नाते वो जब जीवों की हत्या करते हैं तो समाज को आहत होती है, तो इसलिए यही है हमारा, तो कि लॉरेंस सिर्फ समाज के लिए कह रहे हैं कि आप सिर्फ समाज के सामने माफ़ी मांग लें, क्योंकि आपने गलती की है, तो आपको बस सिर्फ माफ़ी मांगनी, इससे बड़ा तो कोई कुछ कह नहीं रहे। तो अगर 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 गलती, तो सलमान खान इतने बड़े व्यक्ति है, उनका दिल भी कहते हैं कि बड़ा है, तो फिर क्यों माफ़ी मांगने में देरी होती है जब बार बार आपके समाज से मांग उठ रही है, मीडिया भी इस बात को चलाता है, वहाँ तक बात पहुँची भी होगी, तो फिर क्यों देरी कर रहा है वो? जी हाँ, वो अपना खुद उनका एक अपना व्यक्तिगत तो हो सकता है कुछ निर्णय, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति और इतना बड़ा उनका दिल है तो वो माफ़ मांग लेनी चाहिए उनको समाज के सामने, क्योंकि एक हिरण और इन सब जीवों के लिए एक समाज हमारा, एक हर दिन हर समय समाज एक तैयार रहता है कि समाज तैयार रहता है हर दिन कि भाई हाँ, हम जीवों के लिए और प्रकृति के लिए, वो खुद के लिए नहीं कर रहा बिश्नोई समाज, पूरा इस भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए कर रहा है, पेड़ और जीवों की रक्षा के लिए, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत कुछ जीवों और इनका मतलब वो ख़त्म होने को आए हैं। आप मुझे बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज के नाम पर अपनी गैंग चला रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, लॉरेंस बिश्नोई उसका नाम है, लॉरेंस बिश्नोई पूरा नाम है, इसका मतलब बिश्नोई समाज से क्या है, मेरा नाम रघुनाथ बिश्नोई है, उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे वाह वाही मिलेगी, मैं बुरा काम करूंगा तो वो गलत काम है,
तो लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज को आड़ में लेके कोई काम नहीं कर रहा है। वो बिश्नोई समाज का जो मेरे परिवार के साथ या मेरे समाज के साथ कोई भी गलत करेगा तो मैं भी उसका जवाब दूंगा। बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है वो भगत सिंह को फॉलो करता, महात्मा गांधी को फॉलो नहीं करता है कि आप एक थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल इधर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। टेट फॉर टेट वाला समाज है, आपने गलत किया है तो गलत आपके साथ भी होगा। भगत सिंह को फॉलो करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई भी मानते हैं, इसलिए शायद उनका तरीका ये है कि कुछ लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। उसमें क्या, यदि कोई भी आपके जो सिद्धांत बने हुए हैं उस सिद्धांतों के ऊपर कोई प्रहार करता है तो मुझे लगता है कि हम सब वीर हैं। वो कोई कायर नहीं है कि अपने ऊपर कोई बात आ जाए और हम घर के अंदर घुस के बैठ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सामना करना चाहिए। उससे क्या होता है, एक पूरे समाज में, देश में, प्रदेश में एक मैसेज जाता है कि वास्तव में कोई समाज की संहिता होती है, यदि किसी समाज का आप रूल तोड़ोगे तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन कानून को हाथ में लेना भी तो ठीक नहीं है। कानून को हाथ में नहीं ले रहे ना, कानून में हाथ में लेते तो आज सलमान खान का 20 साल से केस चल रहा है, न्यायपालिका का सहारा ले रहे ना। बिश्नोई समाज भी कोर्ट में केस लड़ रही है। यदि सलमान खान को खतरा रहता है, जब भी जोधपुर आते हैं तो बहुत सिक्योरिटी लेके आते हैं, खतरा है कि वाकई आप लोग आने वाले। देखिए, जब भी कोई आदमी गलत काम करता है, आपने कोर्ट में देखा होगा, कुछ अपराधियों को कोर्ट में पेश करते हैं तो उनको मारा जाता है। तो इस तरह के यदि कोई आदमी गलत काम करता है तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करता, डर तो होना ही चाहिए, वाजिब है, डर रहना चाहिए। उसने यदि गलत किया है तो डर, आपने और मैंने यदि कोई गलत काम किया है तो अपने डर रहेगा, यार मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। जोधपुर आता डर इसलिए रहता क्योंकि ये बिश्नोइयों का बाहुल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उसको लगता है कहीं मुझे बिश्नोई अटैक नहीं कर दे। यदि अटैक करना होता तो उसके ऊपर कर देते, लेकिन वो बात नहीं है। हम तो चाहते हैं, हम भी बड़ा दिल रख रहे हैं, उसको बड़ा दिल रखना चाहिए। वो खुद को मानता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। बड़ा आदमी होता तो बड़ा आदमी माफ़ी मांगता, वो बड़ा आदमी होता है। खुद को शेर समझ के सबके सामने प्रस्तुत करता, वो बड़ा आदमी नहीं है। इससे देश के अंदर गलत माहौल जाता है, युवाओं में भी गलत मैसेज जाता है, लेकिन उसकी अकड़ है, उस अकड़ के लिए ही पूरा देश आज एक है। तो बिल्कुल, ये बिश्नोई समाज के युवा थे, कुछ बात मैं इनकी क्लियर समझ पाया हूँ। तो लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करते हैं लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के काम करने के तरीके को पसंद नहीं करते। दूसरी बात, इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए कहा, सभी युवाओं ने, सब ने एक ही बात कही कि सलमान खान अगर नोखा में आते हैं और गुरु जम्बेश्वर भगवान के यहाँ पर सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो बेशक इनका समाज जो है वो सोचेगा और माफ़ भी कर सकता है। अब जो है सलमान खान पर ये पूरा निर्भर रहता है कि वो अगर गलती होती है तो गलती मान लेना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए, और सामने वाला भी क्षमा करने वाला बड़ा होता है। ये सब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में किस तरह से सलमान खान का बिश्नोई समाज के प्रति रुख रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बिश्नोई समाज में, युवाओं में सलमान खान के प्रति अच्छा खासा रोष है, गुस्सा है। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।